नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता ने बताया कि 8 अगस्त मंगलवार को एसोसिएशन कार्यालय उद्योग भवन पोलो ग्राउंड इंदौर में स्वावलंबी भारत अभियान के तहत उद्यमिता प्रोत्साहन एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश कुमार जी, अखिल भारतीय सह संगठक स्वदेशी जागरण मंच नई दिल्ली विशेष रूप से उपस्थित रहे और स्वावलंबी भारत अभियान एवं आत्मनिर्भर भारत पर अपना उद्बोधन एवं मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने की। स्वावलंबी भारत अभियान विचार परिवार के 16 संगठनों व अन्य 11 संगठनों का सामूहिक अभियान है। ये भारत के आर्थिक, सहकारिक, सामाजिक और शैक्षिक संगठनों की एक व्यापक पहल है जो भारत में बेरोजगारी व गरीबी को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की युवा शक्ति ही इसका संचालन कर रही है। अभियान के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने से ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सकता है। सहकारिता आधारित उद्योग यदि देश भर में चलते हैं तो वो देश में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इस अभियान के तहत देश भर में उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन आयोजित किए गए जिसमें 5 लाख युवाओं को उद्यमिता में प्रोत्साहित व प्रशिक्षित किया गया। आप सब लोग जानते हैं कि भारत इस समय पर आर्थिक प्रगति की बहुत तेज रफ्तार पर है। G20 कंट्री के अंदर कोई देश अगर सर्वाधिक आर्थिक प्रगति कर रहा है तो वह है भारत। 7% से अधिक की GDP निकालकर हम दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था वाला देश बन गए। जिस समय पर अमेरिका की GDP 2% से कम है, जापान की 1% से कम है, यूरोप की 3% से कम है, चीन की 4% से कम है, उस समय पर हम 7% से अधिक की GDP के साथ प्रगति कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी विडंबना है, आर्थिक प्रगति करता हुआ देश बेरोजगारी के मामले में इन G20 कंट्री के अंदर सबसे पीछे खड़ा है। यानी हमारे यहाँ बेरोजगारी सर्वाधिक है। यद्यपि उसका एक स्वाभाविक कारण है कि भारत की पॉपुलेशन ग्रोथ ये इन सब G20 कंट्री की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है। हमारे यहाँ पर हर महीने 9 लाख युवा 18 वर्ष की आयु पार करके जॉब मार्केट में आ जाते हैं। हर महीने 9 लाख लोगों को नौकरी देना ये किसी भी सरकार अथवा इंडस्ट्री के बस में नहीं। ऐसे में क्या करना, तो भारत के आर्थिक और सामाजिक संगठनों ने, जिनमें सबसे प्रमुख है स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सहकार भारती, ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन संगठनों ने तय किया कि भारत की बेरोजगारी दूर करने के लिए हम एक सामाजिक स्तर पर अभियान चलाएंगे। उस अभियान का नाम रखा है स्वावलंबी भारत अभियान। तो जो तमिलनाडु के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, IT सेक्टर का बड़ा नाम है, भारत के गूगल भी उनको कहा जाता है, जोहो के मालिक, वो इसके संरक्षक हैं। प्रोफेसर भक्ति प्रकाश जी राजस्थान में उदयपुर वाले जो वाइस चांसलर हैं, अब तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पहले वाइस चांसलर थे, आजकल पैसिफिक यूनिवर्सिटी उदयपुर में है, वे इसके समन्वयक हैं। जितेंद्र गुप्त जी, राजीव जी, अर्चना जी, ये उसके सह समन्वयक हैं। सारे देश में अपने देश के युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप पर लाने के लिए, स्वदेशी के मार्ग पर लाने के लिए, कोऑपरेटिव सहकारिता के मार्ग पर लाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारा युवाओं को साफ संदेश है, यू शुड नॉट बी जॉब सीकर, यू शुड बी जॉब प्रोवाइडर। तुम्हारे को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना चाहिए। और नौकरी देने वाला कब बनता है, जब वो एंटरप्रेन्योर बनता है। और इसीलिए जब आगे 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस आ रहा है, यूनाइटेड नेशन द्वारा वह घोषित है, सारे विश्व में मनाया जाता है विश्व उद्यमिता दिवस 21 अगस्त को, हम पूरे जोर शोर से सारे देश में मना रहे हैं, सारे देश के विश्वविद्यालयों में, सारे देश के महाविद्यालयों में हम उस दिन जाएंगे।
और जैसे 21 जून को विश्व योग दिवस होता है, कुछ चीजें सरकारों की और पॉलिटिकल पार्टियों की है इस समय पर। वैसे भी आगे लोकसभा का बड़ा चुनाव आने वाला है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने प्रकार से करती हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि जिस समय पर चुनाव होता है वो फिर कुछ भी ठीक कुछ भी उसका गलत नहीं करते, इसलिए इस समय पर उनका विश्लेषण हम नहीं करेंगे। हम एक पॉजिटिव कैंपेन जरूर कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं जो बेरोजगार घूमते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, सब पर पॉलिटिकल पार्टी नारा देती है हमारे को लाओ हम बेरोजगारी मुक्त करेंगे। 75 वर्षों में तो नहीं हुई है, पहले से बड़ी होगी, कम तो नहीं हुई है बेरोजगारी। स्वावलंबी भारत अभियान भारत का वो अभियान है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 20 से अधिक संगठन और भारत के 12 से अधिक बड़े संगठन इस अभियान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कि यह अभियान भारत को रोजगार युक्त बनाना, बेरोजगार मुक्त बनाना, समृद्धि लाना और हर हाथ में काम हो, हर हाथ में रोजगार हो, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसका प्रमुख है कि एक जो नैरेटिव अभी चल रहा है युवाओं में कि हमें आगे जाके नौकरी करना है, इस नैरेटिव को ख़त्म करते हुए हर युवा ये सोचे कि हमें उद्यम की ओर जाना है, उद्यमिता करना है। और जब इस तरह का भाव आएगा तो निश्चित तौर पे हम आने वाले कुछ वर्षों में चाइना यूरोप इससे बहुत आगे निकल चुके होंगे उद्यमिता को लेकर, उत्पादन को लेकर। तो एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश ने आज ये कार्यशाला रखी। आदरणीय माननीय सतीश कुमार जी भाई साहब जो स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह संगठक है, उद्योगपतियों के बीच में आए और विभिन्न औद्योगिक प्रतिनिधियों से मुलाकात करके इस अभियान की जानकारी दी और इस अभियान में हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से हम एक युवा को एक उद्योग से जोड़ के उसके स्किल्स को डेवलप करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये कार्यक्रम उसी को लेकर किया गया है। योगेश मेहता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी।